दैनिक भास्कर .com presents द विजनरीज। निडर, निर्भिक, निश्चल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ स्वयं में एक ऊर्जा पुंज है, बल्कि जिसकी लगन व मेहनत को देख आप खुद ब खुद उस ऊर्जा की अनुभूति से प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर भारती गांधी। द विजनरीज। दीक्षाविद, तमाम सुधारक व विश्व शांति के प्रयासों के लिए जानी जाने वाली वह अपनी ऊर्जा व कार्यक्षमता से अपनी एक अलग पहचान बनाए डॉक्टर भारती गांधी न सिर्फ देश बल्कि संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति बना चुकी हैं। हमारे फादर ने शुरू से ही हम लोगों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया। जैसे कि उन्होंने पंजाब में इतना कंफर्टेबल जीवन था हम लोगों का, उसे छोड़ करके हमको भेज दिया बुलंदशहर, क्योंकि वो कहते थे मुझे एक्सेंट नहीं पसंद है पंजाबी, तो एक्सेंट पर भी वो ध्यान देते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्कूल वाला होना चाहिए, स्कूल बोलते हैं पंजाब में, तो उन्होंने अपने से हमको अलग किया। और यहाँ तक था कि छुट्टियाँ जब होती थी तो चूंकि रेलवे एम्प्लॉय थे तो रेल से गवर्नेंस हमको लेकर के हमारे घर जाती थी पिता के घर, तो देशाटन बहुत हुआ हमारा। इसके अलावा उनका फादर का ये था कि उनका प्रोनंसिएशन अच्छा होना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पर जब कोई एजुकेशन का तरीका नहीं था ख़ास तौर से लड़कियों का, तो उन्होंने फिर हमारे लिए प्राइवेट ट्यूटर रख दिया। फिर वो कहते थे कि हमारे बच्चों को बहुत ऊंचे जाना है, फिर वो कहते थे इनको इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इंग्लिश अच्छी आने के लिए वो क्या करते थे, और कोई तो उनके पास साधन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ओरेंट लॉन्गमैन की किताब ला करके दी और कहा इसका इस पैरा का हिंदी में अनुवाद करो। फिर जब हिंदी में अनुवाद कर लिया तो बोले फिर ये जो आपने हिंदी में अनुवाद किया इसका रीट्रांसलेट करो इंग्लिश में, है ना, फिर मिलान करो कि जो तुमने इंग्लिश लिखी है वो और जो किताब में इंग्लिश लिखी हुई थी दोनों में क्या अंतर है। विश्व के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर व यूनेस्को द्वारा विश्व शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए पुरस्कृत सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की संस्थापिका श्रीमती भारती गांधी का जीवन काफी प्रेरणादायी रहा है। 8 बहने थे हम और 3 भाई थे, वो भी 3 चचा ताऊ के मिलाकर के कुल मिलाकर के 11 बहने और 3 भाई। तो सब लोग कहते थे अरे इतनी लड़कियां हैं कैसे होगा, और मोहल्ले वाले सब बहुत डिस्करेज करते थे और शादियां कैसे होंगी, तो क्या होगा कैसे नहीं होगा। तो हमारे दिल में बहुत प्रतिक्रिया होती थी, तो हमने फिर एक कविता लिख डाली अबाउट द एज ऑफ 10 और 11। अगर कहीं मैं लड़का होती रोज सवेरे दौड़ लगाती, सेना में भर्ती हो जाती, तीर और तलवार चलाती, अगर कहीं मैं लड़का होती। तो ये जिंदगी में एक सवाल पैदा हो गया कि लड़का होने से कितना फायदा है। अपने पिता और उनकी दी गई सीख का डॉक्टर भारती गांधी के जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। हमारे फादर की चूंकि नौकरी छूट गई थी तो पैसे का जरिया कोई नहीं था, क्योंकि नौकरी पेशे वाले के पास खाली भले इंजीनियरों कितने भी बड़ी पोस्ट पर हों तो उनके पास में पैसा मंथली वाला ही होता है। तो वो बड़े डिजेक्टेड हो गए थे और वो कहते थे कि भाई मैं क्या करूं, इतना बड़ा परिवार है कहां से मैं खर्चा करूं। तो एक बार तो उन्होंने साइनाइड ला के रख लिया, वो कहने लगे कि मैं सब बच्चों को ये खिला दूँगा और खुद भी खा लूँगा, हम सब पूरा परिवार मर जाएगा। तो ये हमने सुना उनसे, तो हमें लगा कि ये तो बहुत गलत बात है, और हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मास्टर साहब बहुत मारते पीटते थे। तो हमने फिर ये निश्चय किया कि अब हम पढ़ेंगे, और हमने इंटर में दाखिला लिया 51 में जा कर के उसी ज़माने में, और जा कर के हमने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में, पढ़ाई तो फ्री थी लेकिन आने जाने के लिए जो बस थी वो 125 महीना लेती थी, तो हमारे फादर 125 महीना भी अफोर्ड नहीं कर पाए और हम पैदल ही जाते थे 3.5 किलोमीटर जाना 3.5 किलोमीटर आना, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बचपन से ही निडर स्वभाव की रही डॉक्टर भारती गांधी को लड़कियों की दयनीय स्थिति ने काफी दुखी किया, वह इसी से उन्हें कुछ करने व आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा मिली। अंदर से आवाज आई कि तुम कुछ क्यों नहीं कर सकती हो, तो हमने पढ़ाई शुरू कर दी। फिर हमने पूरे जिले में वहाँ टॉप किया, तो फिर हमारे फादर लेकर के हमको गए जहाँ हम फ्री में पढ़ सकते थे, इलाहाबाद ले गए हमको,
क्योंकि पढ़ाना बहुत जरूरी था उनके लिए, हमेशा पढ़ाना चाहते थे। तो इलाहाबाद में वो हमको महादेवी वर्मा के यहाँ ले गए। महादेवी वर्मा एक महिला विद्यापीठ चलाती थी और उसी से हमने प्रवेशिका और विद्या विनोदनी भी किया था। तो वहाँ ले गए, बोले बहन जी जो कवित्री थी, महान कवित्री थी, दीपशिखा की भी लिखा था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को आप दाखिल कर लीजिए बीए में, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेंगे, और उन्होंने फ्री में हमारा दाखिला कर लिया। लेकिन फिर हमें पता चला, हमारे फादर को पता चला कि उनके इंग्लिश नहीं है, तो फिर एकदम से उसको छोड़ दिया कि भाई इंग्लिश नहीं है तो जीवन बेकार है। तो लेकर के फिर वो हमको कानपुर आ गए इलाहाबाद से। हमारे फादर ने हमको जो है हॉस्टल में दाखिल कर दिया, जहाँ पर कि हमारा 30 रुपया महीना पड़ता था। तो अब 30 रुपया महीना कहाँ से आएगा, हॉस्टल में तो आ गए ताकि पढ़ाई हो जाए, टॉप करें, है ना, और पैसा है नहीं तो कहाँ से देंगे। तो हमने एक ट्यूशन हमको मिल गया, वो बिरहाना रोड पर था और हमारा छात्रावास था सिविल लाइन्स में। तो वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन करेंगे तो फिर पैसे खर्च होंगे, तो हमें किसी ने पुरानी साइकिल दे दी, तो उस पर हमने चलाना सीख करके उसी से हम जाते थे पढ़ाने के लिए, उसी से लौट के आते थे, और 30 रुपये महीने हॉस्टल के हमको मिल जाते थे। और अपने जो प्रिंसिपल थे मिस्टर भटनागर डीएवी कॉलेज के, उनसे हमने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी फ़ीस माफ़ कर दीजिए, तो उन्होंने हमारी फ़ीस माफ़ कर दी। इस तरह हमने 2 साल में बीए किया, और 2 साल के बीए में हमारा जो था वो 59% नंबर आए, 1% तब भी कम रह गए, 60% नहीं आए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और यही था कि मुझे परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना है। पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने से डॉक्टर भारती गांधी ने न सिर्फ खुद के बल पे अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां भी अपने कंधों पर ले ली। जब 2 साल हो गए तो हमने कहा हमें तो अर्निंग मेंबर बनना है, तो फिर हमने कोशिश की, तो LT का कोर्स होता है, UP गवर्नमेंट का था, यहाँ लखनऊ में था, LT बेसिक, तो उसमें अप्लाई किया, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। 30 ही लड़कियों को लेते थे वो, और उसमें से 30 रुपया महीना वजीफ़ा देते थे, ये उनका वो था। तो 30 रुपया महीना वजीफ़ा मिल गया और हमारा दाखिला हो गया LT में, माने BEd में। और हॉस्टल था वहीं पे शाइमीना रोड पे लखनऊ में, तो वहाँ पर एक डॉर्मेट्री थी जो LT की लड़कियों को दे रखी थी उन्होंने, तो उसमें हमारा कोई फ्री था, लेकिन खाने का खर्चा देना पड़ता था 30 रुपये महीने। तो जो 30 रुपये महीने में यहाँ मिलते थे वो हम वहाँ दे देते थे। तो इस तरह करके हमने अपना LT कर लिया। और हमारे जो प्रिंसिपल थे वहाँ के, वो बहुत महान थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमको इतना अच्छा सिखाया, उन्होंने कहा प्रिंसिपल की निगाह स्कूल के पत्ते पत्ते पर होती है, और सिखाया कि स्कूल जो है नई नवेली दुल्हन की तरह सजा रहना चाहिए। इतनी अच्छी बातें उन्होंने बताई। फिर वहाँ से हम पास आउट हो गए। इतने बीच में हमारे फादर को बरेली में एक जॉब मिल गया रिहैबिलिटेशन ऑफिसर का। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो लोग चले गए थे मुसलमान या जो भी यहाँ से चले गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ का इवेल्युएशन करने का उन्हें काम मिल गया। तो हम भी चले गए छुट्टियों के, अप्रैल के बाद मई जून में छुट्टियों में, तो वहाँ जा कर के भी हमने कहा कि काम करना है। तो वहाँ पर हमको टेलीफोन एक्सचेंज में जगह मिली। तो टेलीफोन एक्सचेंज में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, उसमें 3 रुपया रोज मिलता था, उसमें कान में लगा रहता था और नंबर प्लीज करके मिलान करते रहते थे। इतने में ही वहाँ पर एक मिलिट्री में पोस्ट निकली टेलीफोन ऑपरेटर की, तो हम ट्रेंड हो गए थे, तो हमने अप्लाई किया, वहाँ हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ हमको 117 रुपये मिलने लगे, लेकिन वो करीब 9 किलोमीटर था, तो हम साइकिल से रोज 9 किलोमीटर जाते थे और 9 किलोमीटर आते थे कि 117 रुपये मिल जाए। इंग्लिश पर फोकस, कड़ी मेहनत व कठिन से कठिन सब्जेक्ट चुनते हुए डॉक्टर गांधी ने कई परीक्षाओं व चुनौतियों में सफलता पाई। हमने मकान भी एक ले लिया किराए पर, 10-15 रुपये महीने पर एक कमरा, अब हम हमारी बहन रहने लगे। लेकिन वो हमने उनसे अपने डायरेक्टर एजुकेशन, हमारे जो थे डायरेक्टर जनरल उसके क्या कहते हैं ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद के, तो उनसे हमने कहा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम कैसे अपना खर्चा चलाएँगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको स्कॉलरशिप के लिए कोशिश करता। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर HN बहुगुणा, कहा इनसे जाके आप मिलिए और ये आपके लिए कोई स्कॉलरशिप दिलाने की कोशिश करेंगे। तो हम अकेले ही ट्रेवल करते थे सब, समझिए, है ना, कभी हमको डर नहीं लगा कि हम लड़की हैं तो हम जा नहीं सकते या वो, अकेले ही सब। तो वहाँ से हम आए लखनऊ, आए ट्रेन पकड़ के,
वो यहाँ आकर के मिस्टर बहुगुना से मिलने गए चीफ मिनिस्टर से, तो उनसे हमने कहा कि हमको वजीफ़ा दिला दीजिए। उन्होंने दिला दिया, उस ज़माने में 80 रुपये महीने का वजीफ़ा उन्होंने हमें दिला दिया। वो ये था किदवई, रफ़ी अहमद किदवई मेमोरियल फ़ंड से, तो वो 80 रुपये महीने हमको मिलने लगे। तो हमने वहाँ पे एक साल उस 80 रुपये महीने से अपनी बहन को और अपना खर्चा चला करके ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी से सेलेक्ट होकर के आ गए, और फिर हमने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई किया। तो उसमें उसकी पद निकले थे टीचर्स के, तो हम चूंकि इंग्लिश में भी बीए थे, ज्योग्राफी में भी बीए थे और साइकोलॉजी में भी बीए थे, ऐसे सब्जेक्ट्स लिए हमने जो मुश्किल वाले हैं ताकि नौकरी जल्दी मिल सके, है ना। तो हमको जब वो हमने किया तो उन्होंने हमको ज्योग्राफी का भी टीचर चुन लिया और इंग्लिश का भी चुन लिया। इसी बीच में असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट एडवर्टाइज हो गई, तो मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया, उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गई। तो जब मैं सेलेक्ट हो गई तो मेरा फिर पहला अपॉइंटमेंट जो है ये सब एक 7-8 महीने के अंदर ही हो गया। फिर पहला अपॉइंटमेंट मेरा लखनऊ में हो गया, तो लखनऊ में हमारा ये जो माल एवेन्यू है वहाँ पे हमारा कार्यालय था, रीजनल साइकोलॉजिकल सेंटर, तो उसमें हम काम करते थे और हम एजुकेशनल गाइडेंस का काम करते थे। इतने बीच में फिर क्या हुआ, हमने सोचा कि लगे हाथों एमएड भी कर लो, क्योंकि अभी तो हम BA LTE है और साइकोलॉजिस्ट डिप्लोमा लिया है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड जो था वो आफ्टरनून में होता था, 2 बजे से 6 बजे तक, 4 घंटे का। तो उसमें एमएड में हमारा दाखला हो गया। बहुत मुश्किल होते थे दाखले उस ज़माने में, क्योंकि फ़ीस तो ली नहीं जाती थी और 10 रुपये महीने फ़ीस होती थी उस ज़माने में। तो वो भी जाके हमने फिर वहाँ पर जा कर के यूनिवर्सिटी के जो प्रॉपर अथॉरिटी होते हैं उनसे जाके अपनी फ़ीस माफ़ करा ली थी, 10 रुपया महीना भी हमको नहीं देना पड़ा। तो हमने फिर वो ये हमने अगस्त सितंबर में ज्वाइन की ट्रेनिंग एमएड की, और उसके बाद में 28 अप्रैल को हमें ज्वाइन करना था अपनी नौकरी एज ए साइकोलॉजिस्ट। 6 महीने की लीव विदाउट पे ले करके आए थे, तो अब 6 महीने की लीव विदाउट पे ले ली तो खर्चा कैसे चले, ये बड़ी परेशानी। तो हम गए ये बप्पा श्री नारायण जो स्कूल है वहाँ पर हम गए, तो उसके जो मैनेजर थे बप्पा श्री नारायण वो बैठे हुए थे। तो हमने कहा देखिए मनोवैज्ञानिक हैं और हम टीचर का काम करना चाहते हैं, तो आप कुछ हमें काम दे दीजिए। बोले अच्छा नर्सरी को पढ़ाओगी, हमने कहा पढ़ाएंगे, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमने तो मनोवैज्ञानिक की शिक्षा ही प्राप्त की है, तो हम बच्चों को बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे और उनके इंटरेस्ट को देख के पढ़ाएंगे और उनको कभी सख्ती नहीं करेंगे। तो उन्होंने हमको 72 रुपये महीने की नौकरी दे दी उस ज़माने में। तो उस 72 रुपये की नौकरी से अब क्या होता था, सुबह 6 बजे हम तैयार होकर घर से निकलते थे साइकिल पर और वहाँ पढ़ाने के लिए पहुँच जाते थे 7 बजे, 7 से लेकर 1:30 बजे तक वहाँ पढ़ाते थे, और 1:30 बजे साइकिल पर चल के फिर यूनिवर्सिटी 2 बजे पहुँच जाते थे, और वहाँ पर 2 से 4-6 तक एमएड की क्लास अटेंड करते थे, और फिर 6 से 8 तक टैगोर लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्योंकि हम पे इतने पैसे नहीं थे कि हम किताबें खरीद सकें। और हमने 30 रुपये महीने का कमरा किराए पर ले लिया था पुराना किले में। जॉब, पढ़ाई, ट्यूशन के साथ साथ ही धर्म कर्म में रुचि रखते हुए डॉक्टर भारती गांधी के लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हुआ जब उनकी मुलाकात लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी से हुई। तो गांधी जी फिर जो है गए वहाँ गोरखपुर में, वो सम्मेलन था इनका, गांधी स्मारक निधि का सम्मेलन था, तो वहाँ से 2 किताबें खरीद लाए, एक थी सेवा की पगडंडी और एक थी नारी शक्ति, पतली पतली 2 किताबें थी। तो हमको ला करके इन्होंने दी कि आप ये किताबें पढ़ लीजिए, तो हमने पढ़ने के लिए रख ली, भाई पढ़ लेंगे अब, कहाँ तो एमएड का पढ़ रहे थे, कहाँ ये पढ़ लीजिए, अच्छा था वो भी पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद ये बलिया चले गए, तो बलिया से जब लौट के आए तो कहने लगे वो किताबें पढ़ ली, हमने कहाँ पढ़ ली। फिर उसके बाद में बोले अच्छा आपको वो आता है बोलना आता है, तो हम पे कोई चैलेंज कर देना तो हम जल्दी से, फिर हमारा ऐसा नेचर है कि हम फिर एकदम से भड़क जाते हैं, तो हाँ हम क्यों नहीं आता, हमारे पास बहुत सारे ट्रॉफीज़ रखी हैं जो हमें डिबेट में मिली हैं, हमें तो बोलना बहुत अच्छा आता है। हैं कहने लगे अच्छा देखो ये बताओ अगर मान लीजिए हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो सड़क पे सोना पड़े तो सड़क पे सो सकते हो, हमने कहा क्यों नहीं सो सकते, हम तो खुद ही गरीबी में पले थे। बोले खद्दर पहन सकती हूँ, हमने कहा हम तो बहुत चाहते हैं खद्दर पहनना, और हमने ट्रेनिंग ही ली है बेसिक की जिसमें सूत कातना और कपड़े बुनना हमने सीखा है, पर पैसे नहीं है, जो खद्दर थोड़ा महंगा होता है
तो उनकी सब मांगे जो थी पूरी हो गई और तुरंत शादी तय हो गई। 15 जनवरी को शादी करनी है, 15 जनवरी को शादी तय हो गई। उसमें गवर्नर को ये बुलाने गए गांधी जी कि आप हमारे यहाँ शादी में आइएगा। गवर्नर जो है उस ज़माने में वीवी गिरी थे, जो बाद में हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हुए, यूपी के गवर्नर थे, तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो उनका ADC देखने के लिए आया कि यहीं पर जो ये आप घर में जिसमें हमारे रहते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा एक चबूतरा बना हुआ था बाहर, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब कहाँ बैठेंगे, बोले ये चबूतरे बैठेंगे, बोले कुर्सी, बोले नहीं वो तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उनको दूंगा सोफ़ा या कुर्सी तो मेरे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आएंगे, सारे प्रोफेसर्स आएंगे, तो मुझे सबको देनी पड़ेगी, तो मैं तो गरीब आदमी, मैं तो दे नहीं सकता हूँ, ज़मीन में बैठना पड़ेगा। तो ADC ने ऐसे ही जाके बोल दिया, उन्होंने कहा दिस इज़ ऑल द रीज़न आई विल गो। तो वो आए, इतने भारी भरकम थे, तो ज़मीन पर बैठे और फिर वहाँ पर DAV कॉलेज के जो प्रोफेसर थे संस्कृत के, उन्होंने 15 मिनट में शादी के फेरे करवा दिए मंत्र वगैरह पढ़ करके, और वीवी गिरी ने 45 मिनट का भाषण दिया। और उनके भाषण में बहुत था, ये लीडर हैं, जगदीश मीन्स द वर्ल्ड, भारती मीन्स भारत, नाउ वर्ल्ड मैरीज इंडिया। तो फिर एक गिरजा देवी निर्लिप्त ने कविता सुनाई, जीवन के पथ पर मिल दो राही करते हैं नव मार्ग सृजन। और एक भाषण गांधी जी का हुआ 7-8 मिनट का, और एक दुल्हन का भारती गांधी का हुआ 5 मिनट का। पहले लिख के दे दिया था ये पढ़ना है तुम्हें, है तो हमने रट लिया था कि दुनिया में इतनी दालों की कमी है, इतनी चावल की कमी है, इतनी शिक्षा की कमी है, इतना ये है, और हम शादी करने के बाद हम इस सेवा के काम को करेंगे और दुनिया की जो कठिनाइयाँ हैं उनको हम दूर करेंगे। दहेज में कुछ नहीं था, ना चाय पिलाई गई थी, ना कोई और था, खाली एक हाथ में गांधी जी लेके खड़े हो गए, तस्तरी में मिश्री हम एक में लेके खड़े हो गए, क्या कहते हैं सौंफ। तो 3,000 के करीब लोग आए थे, और कारें जो थी 4 बाग तक खड़ी हुई थी, और यहाँ बर्लिंगटन होटल तक इतनी ज़्यादा लोग कारों में आए थे। तो और उन्होंने बस ऐसे करके कोई एक एक मैंने चुटकी में थोड़ा थोड़ा उठाते हुए सब आशीर्वाद देते हुए निकल गए, और जिन्हें गिफ्ट देना था वो गिफ्ट भी देते चले गए। दहेज में खाली एक गीता प्रवचन और एक चरखा ये दिया गया था, हमारे फादर ने वो दिया। महात्मा गांधी व विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित डॉक्टर जगदीश गांधी के साथ सादगीपूर्ण शादी के बाद डॉक्टर भारती गांधी ने अपने घर से ही सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की। 1959 में ये स्कूल खुला, तो बच्चे कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि नए स्कूल को कौन देगा, और कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं है, प्राइवेट है। और हम लोगों ने साथ के साथ एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला, जिसका नाम था प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग अलोंग मॉन्टेसरी लाइंस। ये उनको डिप्लोमा मिलेगा हमारे यहाँ अगर करेंगे तो। 25 ट्रेनीज भर्ती हुई, जिनको हमने एक साल पूरे पढ़ाया, और हमारे यहाँ भर्ती हुए बच्चे पहले साल में कुल 70 ही पहुँचे थे, लेकिन पहला बच्चा लाना बहुत मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से एक परिवार में हम गए, वहाँ पर बहुतों में गए थे, नहीं किसी ने दिया, तो उन्होंने अपने 5 बच्चे हमको दे दिए, जिनके फ़ोटो भी लगे हैं हमारे यहाँ, जो आजकल बहुत सक्सेसफुल कैरियर्स में हैं। फिर ये स्कूल शुरू हो गया, ट्रेनिंग कॉलेज शुरू हो गया। अब चूँकि प्राइवेट था ट्रेनिंग कॉलेज, तो अखबार वाले हमारे पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा आप लोग ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इन लड़कियों को कोई जॉब नहीं मिलेगी, कोई स्कूल इनको जॉब नहीं देगा, कोई गवर्नमेंट इनको जॉब नहीं देगी। तो हम लोगों ने सोचा नहीं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इनको जॉब देंगे। तो जॉब कैसे देंगे, हमारे पास एक ही स्कूल था, तो हमने कहा हम 3 स्कूल और खोलेंगे। तो हमने गर्मियों में गांधी जी ने हमने मिल करके किराए की बिल्डिंगें ली 3 मोहल्लों में, श्रृंगार नगर में, महानगर में और राजेंद्र नगर में, और वहाँ पर लड़कियों को हम लोगों ने पीपल टीचर्स को बहुत सामान बनवाते थे हम लोग, 4-4 बक्से बड़े बड़े भर करके टीचिंग एड्स। तो उसकी एग्जीबिशन लगाई, उसका प्रचार किया, पर्चे वही लड़कियाँ बांटती थी घरों घरों में जा करके, और लाउड स्पीकर पर प्रचार हम लोग करते थे। तो उसमें एग्जीबिशन लगाई, जब एग्जीबिशन लगाई तो पेरेंट्स ने देखा, तो हमारे पहले साल में ही करीब करीब 350 बच्चे बढ़ गए, तीनों ब्रांचों में मिला करके, उसमें मिला करके कुल 450 बच्चे हो गए। और इन जितनी भी हमारे यहाँ से पीपल टीचर निकली, उनको हमने सबको
एम्प्लॉय कर लिया। 25 निकली थी, 25 की 25 को एम्प्लॉय कर लिया। दूसरे साल हम लोगों ने 37 गर्ल्स को एडमिट कर लिया। फिर वही निकलता रहा कि ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और इनके लड़कियों का भविष्य क्या होगा। तो फिर हमने 4 ब्रांचेस और खोल दी, 4 ही हो गई थी, 5 और खोल दी उसके अगले साल। तो इस प्रकार हमारे विद इन 3 ईयर्स 4 और 5 9 ब्रांचेस हो गई। फिर उसके बाद हमने जो है रिकग्निशन ले लिया गवर्नमेंट से ट्रेनिंग का, उसका नाम था सिटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। तो जो गवर्नमेंट से हो गया तब फिर हम रिलैक्स हो गए और फिर हम ट्रेनिंग चलाते रहे और हमारी जो ट्रेन टीचर्स थी वो दूसरे दूसरे ज़िलों में जा कर के भी वहाँ से भी आती थी ट्रेनिंग करने के लिए और वहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल वो खोलती थी। 5 स्टूडेंट्स से शुरुआत कर 53,000 स्टूडेंट्स तक डॉक्टर भारती गांधी के अथक प्रयासों व मेहनत के परिणाम स्वरूप आज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। उस जमाने में श्री मुरली मनोहर जी शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने पता नहीं कैसे पता लगाया कि हमारे स्कूल में पीस एजुकेशन बहुत होती है। तो उन्होंने जब भेजा तो हमारा जूरी से सेलेक्ट हो गए हम। तो जब सेलेक्ट हो गए तो स्कूल के लिए उन्होंने 2 टिकट भेजे, एक मिस्टर गांधी को और एक मुझे। तो हम लोग वहाँ गए, हमारे बाकी परिवार के बच्चे भी अपनी अपनी तरफ से खुद पे करके आए। तो वहाँ पर उन्होंने इंटरनेशनल पीस एजुकेशन अवार्ड दिया और उसमें जो उनकी न्यूज़ छपी थी वो ये थी कि ये स्कूल खाली शिक्षा के क्षेत्र में ही अग्रणी नहीं है बल्कि इसके अंदर जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, वो उन चीज़ों को बच्चों के दिलों में, उनके चरित्र में डाल देते हैं, जैसे कि टॉलरेंस, एकता, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये एक अवार्ड था ये, जो अभी तक किसी भी स्कूल को वर्ल्ड में नहीं मिला है। दूसरा हमारा अचीवमेंट, हम ये मानते हैं कि हमको उन्होंने, जब हमारे यहाँ 21,000 बच्चे थे, 21,226 बच्चे थे, तभी उन्होंने हमको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया। वी आर मेंशन्ड इन द गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एज द स्कूल विद हाईएस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन इन वन सिटी। अब तो हमारे पास 53,000 बच्चे हैं। तो ये हर साल हमको रिकॉर्ड जो है ये रिन्यू होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अभी कोई दुनिया में किसी भी देश ने एक शहर के अंदर नंबर वाइज इतने बच्चे नहीं हैं। इसके अलावा हमको अवार्ड मिलते रहते हैं, जैसे मिस्टर गांधी को 2 बार 3 बार PhD अवार्ड की गई बाय रशिया एंड अर्जेंटीना एंड टर्की इनके द्वारा, और एक उनको जो किंगस्टन यूनिवर्सिटी है UK में, उन्होंने भी उन्हें बहुत अच्छी तरह रिकॉग्नाइज किया। डॉक्टर भारती गांधी ने निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए ही नारी उत्थान, विश्व शांति व बहाई कम्युनिटी के साथ भी काफी काम किया। जब हमारी शादी हो गई, जैसे कि गांधी जी का था, तो ये भी समाज सेवा में बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने एक सिटी स्टूडेंट्स यूनियन भी बनाई थी और ये हमको हमेशा आगे रखते थे किसी भी काम में, सामाजिक काम में। जैसे कि वो शराबबंदी करनी है, तो हमने अपनी ट्रेनिंग, हमने जो स्कूल खोला तो उसमें टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पहले खोला, तो बच्चे तो 5 आए पढ़ने के लिए, और टीचर ट्रेनिंग में हमने प्राइवेट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में 25 छात्राध्यापकों को भर्ती किया, तो उनको हम पढ़ाते थे। तो अब सामाजिक कार्य में क्या होता था कि जैसे वो करना है नशाबंदी, तो सामने ढोलक ले ली, किसी ने वो ले लिया, हमारे किसी क्लर्क ने बाजा लटका लिया, ढोलक ले ली, और हम लोग सब जा रहे हैं वहाँ पे ताड़ी खाना है, शराब खाना है नाका हिंडोला पर। तो वहाँ जाके हम सब लड़कियाँ घुस गए, वहाँ सब लोग जो पी रहे थे उनके हाथों से छीन छीन करके उनकी बोतलें उलट दी, है ना, सब कर करा करके फिर वहाँ से लौट के आए। तो इसी तरह से, तो फिर ऐसे करके हम लोग बहुत समाज सेवा का काम करते थे, दहेज विरोधी बहुत आंदोलन करते थे। डॉक्टर भारती गांधी का स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन व मदरली नेचर के कारण वो हर वर्ग, हर आयु के बीच लोकप्रिय है। न सिर्फ उनका जीवन प्रेरणा स्वरूप है बल्कि आज भी उनकी दिनचर्या व कार्य क्षमता की बराबरी कर पाना नामुमकिन है। हम लोगों का जो नारा है वो जय जगत है, और जय जगत का मतलब होता है दुनिया की जय, जहाँ पे कोई हारेगा नहीं,
हर देश जीतेगा, इससे लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, दुनिया में शांति आ जाएगी। इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं और हमारे 53,000 बच्चे भी जो अभी इस साल हैं, पिछले 57 वर्ष से लगातार हम इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं और हमारे बच्चे दुनिया में अवश्य ही शांति स्थापित करने में कामयाब होंगे, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये ज्योमेट्रिकल फिगर में बढ़ती है और बहुत जल्दी ही दुनिया में से लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी और मानव जाति जो है एक शांति की सांस लेगी। यही हमारा मोटो है जिसके लिए हम सतत कार्य कर रहे हैं। जय जगत। देखिए, भारती गांधी एक बहुत ही एक महान महिला हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया। उन्होंने स्कूल की शुरुआत की, उनका परिश्रम, लगन, मेहनत, त्याग, बलिदान बहुत अधिक है। उनका अदम्य साहस, उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता और उनका उत्तम व्यवहार हमेशा सबको प्रभावित करता रहा है। एक वो नारी शक्ति की प्रतीक हैं। डॉक्टर भारती गांधी इज द अल्टीमेट एजुकेटर। शी केयर्स अबाउट द इंडिविजुअल चाइल्ड लाइक नोबडी एल्स ऑन प्लैनेट अर्थ। शी इज अ ग्रेट टीचर, शी इज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। शी इज एन एब्सोल्यूट मदर फिगर फॉर द एंटायर सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल फैमिली and is a complete reservoir, a source of inspiration which is ceaseless, tireless. She's a very encouraging and enlightening soul as she never gives up and goes all the way to all the branches for every single program. And whenever any teacher is with her, she makes them very happy. As a leader, is it better to be loved or feared? And I think Dr. Bharati Gandhi is the only person I have ever witnessed who strikes a perfect balance of both. Everyone she works with absolutely adores her and loves her. And yet at the same time, no one will ever take her for a ride. No one will ever try to undermine her. They will never try to cross her. And that perfect balance is absolutely unique. And I think it's that which has enabled her to achieve so much in her lifetime. And to create this incredible institution. She cares about every single child, every single human being, and that eternal love of hers is totally and completely remarkable. Dr. Bharati Gandhi has been a very astute leader. Her nature, which is like a coconut, which is hard from outside, but she is really soft and motherly from inside. Sit with her, speak with her, and the enthusiasm level sort of latches on to you, and perforce you are propelled into jubilant action. So that's the kind of lady she is. If I had to describe Mrs. Bharati Gandhi in one word, the word will be inspiring. एक महान शिक्षाविद है। नारी शिक्षा के प्रति आस्था। Resolute leader. If I had to describe her in one word, I think it would have to be motherly. Somebody you could learn your lessons for life, day in and day out. Dr. Bharati Gandhi is the ultimate educator. Sabki pyari, motherly, badi didi ko, hamara sadar naman. Jai Jagat.